यूसर के हमारे स्टूडियो में आज बहुत हमारे लिए गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ प्रोफेसर आर एम पंत हमारे मध्य उपस्थित हैं। और आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज और नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा रीजन का सेंटर है उसके आप डायरेक्टर हैं, और इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सर्वोच्च संस्था है और वो भी नॉर्थ ईस्ट में आप निदेशक हैं। इसके अलावा आप जो हमारे पॉलिसी फ्रेमिंग की टॉप मोस्ट बॉडीज़ हैं नीति आयोग की, उसमें लीड ऑथर हैं आप वर्किंग ग्रुप के ट्रांसफॉर्मिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन, नीति आयोग की बॉडी है। इसके अतिरिक्त आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो एडवाइजरी ग्रुप है उसके आप सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ है जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और बहुत प्रतिष्ठित है, उससे भी आप जुड़े हुए हैं, उसके माननीय सदस्य हैं। और वर्षों तक आपने लगभग एक चौथाई शताब्दी आपने यानी करीब 24-25 वर्षों से आप नॉर्थ ईस्ट में हैं। इसके अतिरिक्त नॉर्थ ईस्ट में आपने बहुत काम किया विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न पदों पर, और इसके अतिरिक्त आपने देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में आप प्रोफेसर में एकेडमिक्स में तमाम चीज़ों में जुड़े हुए हैं, बेसिकली एक्टिविस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका दिल उत्तराखंड के लिए धड़कता है क्योंकि वो झीलों के नगर नैनीताल से उनका संबंध है। आज वो हमारे मध्य में है, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। और इसके साथ एक चीज़ और कि वो मेरे गुरु भी रहे हैं और इससे भी मुझे यहाँ पर उनके आने से मुझे बहुत दुगनी खुशी हुई है। मैं आपका यूसर में बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आजकल जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे भी लुक ईस्ट की बात हुई है और अपने आप में ईस्ट के कॉरिडोर को हम सशक्त करने में पूरी की पूरी गवर्नमेंट मशीनरी का भी इसमें बहुत बड़ा रुझान है। नॉर्थ ईस्ट और उत्तराखंड में और तमाम हिमालयी राज्यों में इस विषय को लेकर बड़ी समानता है कि हम माउंटेन स्टेट्स की बात करते हैं, हम हिमालयन स्टेट्स की बात करते हैं, हम में बहुत समानताएं हैं, चाहे वो कल्चर को लेकर हों, चाहे हमारे रहन सहन को लेकर हों, बातचीत को लेकर हों, वार्तालाप को लेकर हों, लिविंग स्टाइल को लेकर हों, एजुकेशन को लेकर हों, तमाम तरह की हैं। और सबसे बड़ी बात है गाँवों से जुड़ाव कि किस तरह के गाँव, किस तरह के गाँव को सशक्त किया जाना चाहिए, और इसके इंसाइक्लोपीडिया प्रोफेसर पंत हैं। तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर इसके बारे में कौन सारी की सारी चीज़ों को बता पाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ और मेरी बड़ी प्रार्थना है, एनी लैंग्वेज एनी स्टाइल दैट यू वुड लाइक टू फॉलो प्लीज़ गो हैड एंड एक्सप्रेस एंड पोर योर हार्ट आउट सर। थैंक यू दुर्गेश जी, आपने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया मेरे बारे में, उतना मैं डिजर्व नहीं करता, बट पिछले 25 सालों से लगभग मैं नॉर्थ ईस्ट में जुड़ा हूँ। उससे पहले मैं उत्तराखंड में ही पला बढ़ा और उत्तराखंड में भी मुझे बहुत थोड़े समय काम करने का सौभाग्य मिला। आपने नॉर्थ ईस्ट की बात करी, नॉर्थ ईस्ट पूरा, नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट हैं, आप सभी लोग जानते हैं। पहले हम लोग उसको 7 सिस्टर्स के नाम से जानते थे और जब सिक्किम उसमें जुड़ा तो एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया कि उसको आठवीं बहन बोलें या 7+1 brother, 7 sisters and 1 brother। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका नाम बहुत अच्छा निकाला है कि अष्टलक्ष्मी, और अष्टलक्ष्मी नाम जो है ये वहाँ को बहुत अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रिसोर्सेज के हिसाब से, नेचुरल रिसोर्स के हिसाब से, दिस इज़ एन एरिया विच इज़ फुल ऑफ पोटेंशियल्स, फुल ऑफ रिसोर्सेज। तो इसलिए वो अष्टलक्ष्मी, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रॉस्पेरिटी की गॉडेस हैं लक्ष्मी, तो बहुत सिद्धि नाम निधि किया जाता है, तो बहुत ही सही नाम हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको दिया है क्योंकि वहाँ पर अनन्य क्षमताएँ हैं, आप बहुत ही ज़्यादा इमेंस पोटेंशियल्स वहाँ पर हैं। हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें पूरे नॉर्थ के स्टेट्स काफ़ी आगे बढ़े, उसमें एग्रीकल्चर काफ़ी बढ़ा, पर उसमें बहुत सारे दूसरे जो राज्य थे वो पिछड़ गए। जो हमारा डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित हो गया था, और उसमें भी हम बोलते हैं कि कुछ ही उसके जो प्रोडक्ट हैं वो भी कुछ ही प्रोडक्ट हो पाए, और बहुत सारी प्रोडक्ट जिनको किस भारत में हम यूज़ करते थे वो पिछड़ गए।
अब जो हम नया जो ग्रीन रेवोल्यूशन होने जा रहा है वो उत्तराखंड से, वो आई मीन नॉर्थ ईस्ट से होने जा रहा है। सिक्किम ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है अपने को ऑर्गेनिक स्टेट, और बाकी सारी स्टेट्स भी मोरलेस ऑर्गेनिक है। वहाँ पर बाई डिफॉल्ट नॉर्थ ईस्ट इज ऑर्गेनिक। नॉर्थ ईस्ट को अभी हमारी जो सरकार है बहुत ज़्यादा अभी प्रमोट कर रही है। बहुत लंबे टाइम तक नॉर्थ ईस्ट थोड़ा अलग थलग पड़ा रहा, उसके कई रीजन थे और कुछ लोगों का भी फ्रस्ट्रेशन हो गया था उधर, और कुछ हमारी पॉलिसी भी कुछ ऐसी थी कि हमने नॉर्थ ईस्ट को पता नहीं समझा कि शायद वहाँ डेवलप होने से तो चाइना का खतरा, या पता नहीं क्या सोच रही थी, पर अब सोच में काफ़ी परिवर्तन आया है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि 1947 में जो पर कैपिटा इनकम नॉर्थ ईस्ट की थी, असम की जो प्रकार, क्योंकि उस टाइम तो नॉर्थ ईस्ट असम का ही हिस्सा था, तो जो पर कैपिटा इनकम नॉर्थ ईस्ट की थी वो देश की पर कैपिटा इनकम से कहीं बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। पर हमारा दुर्भाग्य ये है कि उसके बाद पिछड़ता चला गया। कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी रहे, क्योंकि पॉलिटिकल फैक्टर्स रहे, हमारे देश का विभाजन हुआ, और जो ये हमारा जो बहुत ही रिच एरिया था वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया, जो आज बांग्लादेश है, तो हमारे पूरे ट्रेड रूट वहाँ से कट गए। फिर 1962 में जब चीन से हमारा युद्ध हुआ तब हमारे कुछ और बॉर्डर कट गए, हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड था पूरा सिल्क रूट था वो पूरा कट गया। हमारे पास एटलीस्ट 5 या 6 मेन ट्रेडिंग पॉइंट्स हुआ करते थे नॉर्थ ईस्ट में, जिनसे कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में हमारा ट्रेड चलता था, वो पूरा इन सब चीज़ों की वजह से बंद हो गया। हमारे सक्सेसिव वॉर्स और विभाजन, इन सब चीज़ों की वजह से हमारा ट्रेड बंद हो गया और नॉर्थ ईस्ट पिछड़ता चला गया। फिर 62 के युद्ध के बाद ये हुआ कि यदि हम अरुणाचल को या इन एरियाज़ को विकसित करेंगे, वहाँ रोड बनाएंगे, तो शायद चाइना इजीली एक्सेस एंट्री कर पाए इंडिया में, तो वो एक डर भी कहीं ना कहीं था। पर अब एक इंडिया जो बहुत सशक्त रूप से आगे बढ़ रहा है, भारत एक बड़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली देश बन के उभर रहा है, अब वो पुरानी चीज़ें हमने पीछे छोड़ दी हैं, और अभी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप वहाँ पर हो रहा है, वहाँ रोड्स बन रहे हैं, वहाँ पर और भी विकास की। और अभी जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, अभी उसको हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और अभी जो नया विकास जो देश का होगा उसमें नॉर्थ ईस्ट एक अहम रोल प्ले करेगा। और अभी वहाँ से पूरा एशियन हाईवे बन गया है, और पूरा साउथ ईस्ट एशिया के लिए वहाँ से लिंक हो गए, और गांव-गांव को हम लोग ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, गांव में इतना अवेयरनेस लेवल हो गया है कि गांव वाले अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट बड़ा एक आर्थिक रूप से बहुत सक्षम होकर उभर रहा है, और आप जल्दी देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट लीड में रहेगा। मैं आपसे ना, क्योंकि आपने इतना कुछ आपने नॉर्थ ईस्ट में काम किया है, कल्चर, वो ये कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में कि वो अपने संस्कृति से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में आजकल अब रामलीलाएं आने वाली हैं, बड़ा सुंदर समय जिसको कहते हैं ये वाला शुरू हो रहा है शरदोत्सव और शरद का, इसके बारे में कुछ बताइए। उत्तराखंड का बहुत ही रिच कल्चर रहा है, और मैं अभी भी उत्तराखंड के संस्कृति को बहुत मिस करता हूँ, पर मुझे न जाने क्यों ऐसा थोड़ा सा एहसास होता है कि हम थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन के समय में काफ़ी हमारे कल्चर को थोड़ा नुकसान भी हुआ है। हमारे पुराने त्यौहार जिस जोश से हम बचपन में मनाया करते थे, या हमारी जो ड्रेस वगैरह थे, हमारे जो गीत थे, लोक नृत्य थे, कहीं धीरे धीरे पिछड़ गए। हालांकि अभी फिर से जागरूकता बहुत ज़ोर शोर से आ रही है, और मुझे लगता है कि फिर एक बार हमें वो एक सेंस डेवलप हो रहा है कि हमें अपने कल्चर को रिवाइव करना है, बिकॉज लॉस ऑफ कल्चर इज़ लॉस ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इस मामले में उत्तर पूर्व काफ़ी समृद्ध है। उत्तर पूर्व में 8 स्टेट्स, इतनी ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है। मैं आपको अरुणाचल ही के बारे में यदि मैं बताऊँ तो वहाँ 26 ट्राइब हैं, और 26 ट्राइब हैं और 100 से ज़्यादा सब ट्राइब्स हैं, और हर ट्राइब का अपना एक कल्चर है, हर एक का अपना ड्रेस कोड है, हर एक के अपने त्यौहार हैं, और वो सब चीज़ इतना जोश खरों से मनाते हैं। असम में बिहू, 3 तरह का बिहू वहाँ मनता है। असम का आदमी यदि वो अमेरिका में भी बैठा है या कहीं भी बैठा है, बिहू के दिन उसका दिल असम में होता है, और वो असम के ही वस्त्र पहनेगा, असम के ही बिहू डांस करेगा। तो असम तो ये संस्कृति पूरे ऐसे ही नागालैंड वगैरह का है, नागालैंड रचा बसा वहाँ पे संस्कृति, वो लोग बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड हैं, खासतौर से मेघालय, मिजोरम, नागालैंड,
ये सारे ही काफ़ी वेस्टनाइज हैं, वहाँ क्रिश्चियनिटी डोमिनेटेड है, क्रिश्चियन रिलीजन रिलीजन वहाँ डोमिनेटेड है, इसकी वजह से क्रिश्चियन वेस्टर्न कल्चर काफ़ी प्रभावित है उधर, पर अपनी संस्कृति को अभी भी पकड़े हुए हैं। आज की डेट में भी अपने फेस्टिवल्स पर वो अपने ही ड्रेस पहनते हैं, आज की डेट में भी वहाँ के सॉल को देख के आप, वहाँ के वस्त्रों को देख के आप बना सकेंगे कि ये सेमा ट्राइब है या ये रेंगमा ट्राइब है, ऐसे ही निसी ट्राइब है या अपातानी ट्राइब है, आप उनके वस्त्रों को देख के आप पहचान सकते हैं। तो कल्चर को वो लोग पकड़ के बैठे हैं और प्रोग्रेसिव हैं, वो प्रगति कर रहे हैं, पर साथ ही साथ अपने कल्चर को भी अपने साथ लेके चल रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे लगता है उत्तराखंड में भी ये अवेयरनेस आनी चाहिए, आ रही है। उत्तराखंड तो बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज है यहाँ की, हम लोगों को अपने संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सुंदर। मैं आपसे, क्योंकि आपने आप नॉर्थ ईस्ट के और जो हमारा रूरल डेवलपमेंट का और पंचायती राज का, उसके आप जो सर्वोच्च संस्थान हैं उसके निदेशक हैं, उत्तराखंड में भी गांव की हालत, और हम कई बार पलायन की बात करते हैं और गंभीर है, किसी भी पर्वतीय राज्य में और इस तरह में और हिमालयन स्टेट्स में ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आपने वहाँ इतना करीबी से आप देख रहे हैं, इसका अध्ययन भी हो रहा है, क्या समानताएं हैं, क्या ऐसा है, क्या कनेक्ट है और क्या सॉल्यूशंस हैं जो आपको लगते हैं हमारे सामने हो सकते हैं? उत्तराखंड और उत्तर पूर्व में समानताएं बहुत हैं, दोनों ही पर्वतीय क्षेत्र हैं, हमारी समस्याएं मोर लेस सेम हैं। मैं वहाँ भी जब आज भी बच्चों को कई किलोमीटर दूर पैदल पीठ में बस्ता लेके जाते हुए देखता हूँ तो अपने बचपन की याद आ जाती है। पहाड़ों में भी उसी तरह की समस्याएं हमने झेली हैं, बहुत दूर या लंबी दूर दूर तक हम लोग पैदल चल के जाया करते थे, वो आज भी नॉर्थ ईस्ट में वैसा ही चल रहा है, हालांकि बदलाव वहाँ तेज़ी से आ रहा है, पर काफ़ी समानताएँ हैं। जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है यहाँ की भी और वहाँ की भी, और कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए बहुत कम है, और आज भी मार्केट लिंकेजेस कम हैं। प्रोडक्ट हम जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है पैदा होती है वहाँ पर फिर भी मार्केट तक नहीं पहुँच पाती। बहुत रिच हमारा उत्तराखंड भी और नॉर्थ ईस्ट भी, दोनों जगह मेडिसिनल प्लांट्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है, पर फिर भी उसको हम लोग मार्केट तक ले जाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। समानताएँ बहुत हैं और पिछड़ापन हम दोनों ही क्षेत्रों ने झेला है। संस्कृति दोनों की मजबूत रही है, पहाड़ दोनों को हमेशा मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं। गांव का, मैं गांव पे आऊँगा अभी, मैं जब उत्तराखंड के गांव में जाता हूँ तो मेरे अपने गांव में जो गंगोली हाट में खरेक हमारा गांव है, मैं जब पूरे मिशन अंत्योदया के समय में पूरे गांव का सर्वे कर रहा था, उत्तराखंड के, हिमाचल के और नॉर्थ ईस्ट के, तो मैंने उत्तराखंड के गांव में देखा कि सबसे एक गांव मुझे नज़र आया जहां पर केवल 9 लोग रहते हैं, और जब मैंने गौर से देखा तो वो मेरा ही अपना गांव था। तो हम लोग बोलते हैं कि पहले गांव का, हम लोग उत्तराखंड में बोलते थे कि यहां पर मनी ऑर्डर इकोनॉमी है, तो हमने गांव मनी ऑर्डर लेने वाला भी अब लेने वाला भी नहीं बचा। एक बड़ा फेज्ड मैनर में हमारा पलायन हुआ है यहां से। पहले गाँव से केवल पुरुष बाहर नौकरी की तलाश में या किसी व्यवसाय की तलाश में बाहर जाते थे, महिलाएं बचती थी, तो हमने उसको नाम दिया फेमिनाइजेशन ऑफ विलेजेस। अभी महिलाएं भी निकल गई हैं बाहर, तो अभी घोस्ट विलेजेस एक नया नाम उभर रहा है, बहुत डेजर्टाइजेशन, बड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि घोस्ट विलेज, जो कि जहाँ हमारे पुरखों ने जो गाँव बनाए हैं आज वो घोस्ट विलेज कहलाते हैं, तो बड़ा दुख भी होता है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर पूर्व में स्थिति बिल्कुल उल्टी है। अच्छा, उत्तर पूर्व में स्थिति काफ़ी उल्टी है, क्योंकि वहाँ पर लोग गांव से बहुत जुड़े हुए हैं और गांव छोड़ना भी नहीं चाहते वो लोग। ऐसा क्या आकर्षण है कि वो गांव से बंधे? ऐसा कुछ तो उनकी संस्कृति ऐसी है कि गांव से उनको जोड़े रखती है, उनकी कुछ रिचुअल्स हैं जो कि गांव से जोड़े रखते हैं उनको। दूसरा ये है कि गांव इस रूप से सक्षम है कि वो अपने लोगों को जीवन यापन का माध्यम दे सकें। मैं यहाँ पर सिक्किम, तो खैर पूरे दुनिया सिक्किम को आज जान रही है क्या क्या सिक्किम में हुआ है, मैं मेघालय की चर्चा यहाँ पर करना चाहूँगा जो कि बहुत जल्दी ही सिक्किम के बराबर पर आ जाएगा। मेघालय के गांवों में
मैं दो दो चार सक्सेस स्टोरीज जो हमने वहाँ पर कुछ देखी। एक माउलिंग नोंग गांव है जो कि आज एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज के नाम से उसको जाना जा रहा है। वो गांव हमने 2014 में एक स्टडी किया था उस गांव में, तो 80 हाउस होल्ड्स वहाँ पर रहते हैं, 80 घर वहाँ पर हैं, और उसमें टोटल जो पॉपुलेशन थी करीब 482 की पॉपुलेशन थी, टोटल पॉपुलेशन थी, और वहाँ पर करीब 30% लोग जो बिलो पावर्टी लाइन थे। और तब उस टाइम हम गए थे तो थोड़ा सा लोग सशंकित थे कि कितने दिन तक हम यहाँ रहेंगे, अब यहाँ से नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ेगा। पर तभी उनको ये क्लीनेस्ट विलेज का एक आइडिया दिया, कुछ मैगजीन में छपा कि ये तो क्लीनेस्ट विलेज है। वहाँ पर एक प्रेस्बिटेरियन चर्च का सेंटेनरी फंक्शन था, तो वहाँ पे कुछ मीडिया हाउसेज आए और उन्होंने उनको बोला कि ये तो क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया है, और उस चीज़ को उन्होंने पकड़ लिया और वो क्लीनलीनेस उन्होंने मेंटेन किया। और उस क्लीनलीनेस को देखने के लिए आज हजारों लोग वहाँ, लाखों लोग मैं कहूँगा, वाइब्रेंट हो, हाँ, लाखों लोग आ गए, और उस गांव की इनकम आज 5 करोड़ रुपए पर एनम उनकी इनकम है। अब आप सोच लीजिए कि 500, अभी पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ गई होगी तो 500 लोग होंगे, 500 लोगों के गाँव की इनकम 5000 करोड़, 5 करोड़ पर एनम। अभी वहाँ BPL का तो कोई सवाल ही नहीं है, और कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, तो उन्होंने अपने को इतना अच्छा किया कि आज सारे लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं कि बताइए हम आपके लिए क्या करें। तो बहुत सक्सेस स्टोरी रही। दूसरा गांव एक वहाँ पर एक है सोहलिया विलेज, जिन्होंने कि स्ट्रॉबेरी जो कि बिल्कुल एक एलियन प्रोडक्ट थी, जैसे हमारे उत्तराखंड में स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा होती है, होती हुआ करती थी, आजकल कम दिखती है, उन्होंने एक नई प्रोडक्ट स्ट्रॉबेरी वहाँ लगाई और कई सारे गाँव ने उसको फॉलो किया, और आज वो स्ट्रॉबेरी क्लस्टर नाम से वो गांव जाना जाते हैं। तो बहुत संभावनाएं बहुत हैं, और वो हर गांव को एक ब्रांड की तरह से मार्केट कर रहे हैं, जैसे कि माउलिंग नोंग क्लीनेस्ट विलेज, सोहलिया स्ट्रॉबेरी विलेज, और एक नया ब्रांड और आ रहा है जहाँ पे कि बड़ी यूनिक पॉइंट है, उसको भी वो मार्केटिंग में एक ब्रांड की तरह से प्रमोट कर रहे हैं, विस्लिंग विलेज ऑफ कॉन्गखोंग। लवली, उस गांव की जो USP है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, कि वहाँ गांव में एक दूसरे को लोग नाम से नहीं विसिल से बुलाते हैं, और हर सिटी की धुन जो है अलग है। बहुत सुंदर। जैसे मैं आपको दुर्गेश नहीं बोलूंगा, आपके लिए एक विशेष धुन एक है, तो उसी धुन से आपको बुलाएंगे, और हर व्यक्ति की धुन ये USP है, और पूरी दुनिया से लोग उसको देखने आ रहे हैं, और उनका एक बिलीफ है, एक मान्यता है कि यदि हम किसी को नाम से बुलाएंगे तो कोई इविल स्पिरिट्स आके उनको ले जाएंगी, तो किसी को नाम से नहीं बुलाना। तो जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता है उसके एक नाम की जगह एक धुन उसको दे दी जाती है, और जब वो अपना प्राणांत होता है उनका, तो वो धुन भी उन्हीं के साथ चली जाती है। तो इतनी क्रिएटिविटी उस गाँव में है, और उसी क्रिएटिविटी को उन्होंने अपना USP बना लिया है। बहुत सुंदर। तो हर गांव को एक ब्रांड की तरह से प्रमोट कर रहे हैं, और टूरिज्म इज थ्राइविंग नाउ इन होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। देखिए ये बड़ा अद्भुत है कि संगीत की मधुरिमा को भी और स्वर लहरी को भी गांव से जोड़ना और उसको नामकरण से, जीवन से जोड़ना, ये अपने आप में बड़ा अनूठा आपने इसके बारे में बताया, और पूरे गाँव इसके लिए जाना जाता रहा है। ये भी अपने आप में बड़ा अनुकरणीय है, जानने लायक है कि जिन गांवों को आज हम कह रहे हैं, और जो गांव जिसमें हम कहते हैं कि गांव में ऑलरेडी डिस्ट्रेस्ड हैं और स्ट्रेस्ड है पूरा का पूरा सिस्टम इकोनॉमी का, और वहां आपने जैसा बताया कि इट इज़ ए थ्राइविंग सिस्टम पूरा का पूरा रूरल सेगमेंट, तो ये अपने आप में बहुत ही न सिर्फ आशा देता है, और क्योंकि उत्तराखंड से भी जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड से हम भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं नॉर्थ ईस्ट से, तो हम लोगों का एक स्वाभाविक रूप से कि वहाँ की अगर सक्सेस स्टोरीज हैं तो ये हम लोगों के लिए भी प्रेरणा की बात है। इसी तरह से जो यहाँ कई चीज़ें हुई हैं वो नॉर्थ ईस्ट के लिए हैं। मैं सर आपसे एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों का विज्ञान शिक्षा अनुसंधान का एक केंद्र है, राज्य के 95 ब्लॉक में हम लोग फैले हुए हैं, 13 जनपदों में हमारी टेक्नोलॉजी से लेके इकोलॉजी से लेके हायर एंड टेक्नोलॉजीज साइंस एजुकेशन उसमें हम लोग काम करते हैं, और हम देख रहे हैं कि लगातार एजुकेशन और उसमें कि जो प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक पूरा का पूरा टिकट है उसमें हम लोग काम करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जैसा आपने कहा एक्ट ईस्ट हुआ है,
लुकीस के साथ में एक टीस्ट हुआ है, और टेक्नोलॉजी का कितना इम्पैक्ट है जो आपको लगता है, स्पेशली एंटायर एजुकेशनल स्पेक्ट्रम में और डे टू डे लाइफ? टेक्नोलॉजी तो इनफैक्ट आज के समय की मांग है. नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस खुले हैं. वहाँ पर गुवाहाटी में IIT भी खुला है, और हर स्टेट में NITs हैं, और पूरे आठों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है ईटानगर में, जिसको कि बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, NIRST, जो कि एक बहुत ही अपने आप में एक बड़ा अलग किस्म का इंस्टीट्यूट है, जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए तीन तरह के मानव संसाधन को बनाता है. वहाँ पे मॉड्यूलर सिस्टम जो टेक्निकल एजुकेशन का है, NIRST पहला इंस्टीट्यूशन है कंट्री में जिसने कि वो मॉड्यूलर सिस्टम किया. क्लास टेन के बाद लेते हैं, दो साल के बाद उनको ITI की धुन पर उनको हम सर्टिफिकेट देते हैं, फिर दो साल और जुड़ने पर उनको डिप्लोमा मिलता है और पॉलिटेक्निक के तरह का, और फिर दो साल और करने में 6 साल में वो BTech के इक्विवेलेंट डिग्री होती है. तो NIRST में वो मॉड्यूलर पैटर्न है हमारा, फिर उसमें MTech की आवश्यकता भी, उसी की आवश्यकता है, क्योंकि हुनर जो हुनर वाली बात है जी जी वो नीचे से ही आता है. और अभी मैं यदि गाँव के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो टेक्नोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है गाँव की स्कीम्स को सक्सेसफुल करने में. आपको याद होगा हमारे पुराने भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि जब हम 100 रुपये सेंटर से एलोकेट करते हैं तो वो लास्ट में पहुंचते पहुंचते मात्र 15 रुपये पहुँचते, 13 पैसा. हाँ, तो यानी कि इतना हैवी पिलफरेज था. भारत जैसे विशाल देश में जो कि इतना डिफरेंट टेरेन्स हैं, दूर दूर तक गांव बसे पड़े हैं, उनको मॉनिटर करना मैनुअली संभव नहीं है, उसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है. और आज की डेट में हम लोग उस टेक्नोलॉजी को बखूबी उपयोग कर रहे हैं ग्राम विकास के लिए. देखिए जैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना सब है, या प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना है, मैं उसका आपको उदाहरण देके टेक्नोलॉजी का उपयोगिता इसमें समझाऊंगा. गांव में कहीं सुदूर एरिया में, मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में यदि कोई गाँव में वहाँ पर घर बन रहे हैं, वहाँ किसी को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वहाँ पर कुछ बन रहे हैं, या MG NREGA में कुछ वहाँ पर काम चल रहे हैं, अब उसको कैसे दूर से मॉनिटर करेंगे? इतना पूरे हमारे सॉफ्टवेयर हैं, आवास सॉफ्ट है, प्रिया सॉफ्ट है, सारे जितने भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम उनको कर सकते हैं. जैसे ही प्लिंथ एरिया बनता है प्रधानमंत्री आवास योजना के, जब मकान हम बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, प्लिंथ एरिया बनता है तो उसमें पूरे GIS का यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेट्स यूज करके उसका फोटो अपलोड करते हैं, कंफर्म हो जाता है कि ये बन गया, तब फिर रिलीज करते हैं. ऐसी अलग अलग स्टेजेस पर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके मॉनिटर कर सकते हैं. तो अभी सीधा जो है ट्रांसपेरेंसी इसमें आ गई है. दूसरा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. आजकल हम लोग IT का इतना उपयोग हो रहा है कि सीधे DBT के माध्यम से हम डायरेक्ट बेनिफिशरीज को फ़ायदा दे रहे हैं. तो टेक्नोलॉजी तो आज की डेट में एक बून है, और साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, जैसा कि आप लोग काम कर रहे हैं, सुदूर ग्रामों के एरिया तक आप ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं, ऐसा ही हम लोगों के भी, हम लोग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या ऐप्स के माध्यम से दूर दूर तक गाँव तक अपनी पहुँच बना के रखे हैं, ताकि गाँव वालों को हम कैपेसिटी बिल्डिंग हम लोग उनकी कर सकें. तो टेक्नोलॉजी के बिना मुझे लगता है विकास संभव नहीं है. मैं एक चीज़ में, मुझे मालूम है आपके पास समय की कमी भी है, लेकिन मैं अपना उत्सुकता से पूछना चाहता हूँ. उत्तराखंड जिसको वाटर टैंक कहते हैं, और आज हम जल शक्ति मंत्रालय बना है, और USARC में स्वयं हमने एक वर्ष पूर्व हमने यहाँ पर रिवर रिजुविनेशन, एक नदी का पुनर्जीवीकरण के लिए केंद्र की स्थापना की है दूसरे स्थान पर, एक बड़ा सुंदर है. नॉर्थ ईस्ट में और यहाँ में जल प्रबंधन, जल से संबंधित विषय में मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है. जल ही जीवन है, जहाँ हमारे पास गंगा और जी जी जी, वहाँ आपके ब्रह्मपुत्र, विशाल ब्रह्मपुत्र. बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है, और समय की मांग है कि हम अपने जल संवर्धन के लिए काम करें. जैसे कि यहाँ पे हमारे नौले और ये सब सूख गए हैं, पहाड़ के, मुझे याद है बचपन की कि हम नौले से पानी लाया करते थे,
और स्वच्छ वाटर, मिनरल वाटर वो हुआ करता था। तो स्प्रिंग वाटर रिवाइवल पर अभी नीति आयोग ने भी एक कमेटी बनाई थी, वर्किंग ग्रुप, उस पर बहुत काम चल रहा है कि कैसे हम स्प्रिंग्स को रिवाइव करें, स्प्रिंग सेट को रिवाइव करें। नॉर्थ ईस्ट में कुछ सक्सेस स्टोरीज आए हैं, सिक्किम में धारा विकास नाम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो कि बहुत सक्सेसफुल है। अभी मेघालय में हमने कुछ सक्सेस स्टोरीज वहाँ पर देखी कि कैसे उन्होंने कन्वर्जेंस, डिफरेंट स्कीम्स, सरकारी स्कीम्स के कन्वर्जेंस से उन्होंने पॉन्ड्स बनाए हैं, वाटर बॉडीज़ को डेवलप किया है। और हम लोग कहते हैं कि वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज इन मेघालय। तो पहले चेरापूंजी था, अभी माउसन ग्राम है, उसी रेंज में, चेरापूंजी रेंज में, सोहरा रेंज में ये सब दोनों हैं। वो वेटेस्ट प्लेस भी यदि आप ऑफ सीजन में जाएंगे तो सूखा पड़ता है वहाँ पर, तो आवश्यकता है कि हमें राउंड द ईयर। मिजोरम का मैं आपको अनुभव बताऊंगा कि मिजोरम में किसी भी घर में पाइप सप्लाई हफ्ते में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं आती है, मिजोरम में। और केवल यदि वहाँ के लोग पानी उनको उपलब्ध है तो केवल जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से वो लोग अपने कर रहे हैं, हर घर में उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है रेन वाटर। यहाँ पर पीपल्स पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों में ये जागरूकता है कि यदि हम अपना रेन वाटर को हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमें पानी पीने का नहीं मिलेगा। तो कोई भी सरकार पे भरोसे नहीं है, सब अपना अपना इंतजाम करके, तो उस तरह का एक अवेयरनेस लोगों में आना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जैसा कि हम पंजाब और हरियाणा, ये जो आजकल हमारे स्टेट हैं, पंजाब जो कि 5 नदियों की जगह है, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डेजर्टिफिकेशन। तो हमने इतना पानी निकाल लिया ग्राउंड वाटर, तो अभी हमें आवश्यकता है कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करें, जिसमें कि अभी नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। धारा विकास में हम लोग नौले और स्प्रिंग्स को रिवाइव करने का बहुत अच्छा माध्यम है, और सबसे सक्सेस वहाँ की जो ये है कि अवेयरनेस लोगों में फैलाने का, उन्होंने मैनुअल्स बनाए हैं कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें आप अपना कर इनको, जल संपदा को आप बचा सकते हैं। तो ये कुछ अच्छे प्रयोग वहाँ पर हुए हैं और वो प्रयोग हमें उत्तराखंड में लाने की भी आवश्यकता है। मैं अंत में आपसे ये भी अपेक्षा भी करता हूँ, और क्योंकि आपने उत्तराखंड भी आपकी जन्मभूमि है, वो नॉर्थ ईस्ट आपकी कर्मभूमि है, तो सहयोगात्मक रूप से कि उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट में सहयोग बने और उस मैत्री के आप अग्रदूत हैं, तो क्या कुछ ऐसी संभावनाएं उसके आप संक्षेप में उस पर आपके विचार? ये राष्ट्रीय स्तर पर भी इसमें कार्यक्रम चल रहे हैं, ये हिमालयन काउंसिल करके भी एक बनने जा रही है, जिसमें कि सारे 12 स्टेट्स, 10 तो हिमालयन स्टेट्स हैं और 2 पार्सली उसमें आते हैं इंडियन हिमालयन रीजन में, तो 12 जो इंडियन हिमालयन स्टेट्स के जो हैं उनका एक अलग से उसके लिए पॉलिसी, क्योंकि यहाँ की पॉलिसी और राजस्थान की पॉलिसी या दक्षिण की पॉलिसी एक सी नहीं हो सकती, हमारी समस्याएं अलग हैं, पर उत्तर पूर्व और ये जो पूरे इंडियन हिमालयन रीजन की समस्याएं और पोटेंशियल्स, हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस मोर लेस सेम है। तो आवश्यकता है कि पूरे जो एक कंसोर्शियम बने पूरे के पूरे 12 हिमालयन स्टेट्स का, और ढंग से यहाँ की समस्याओं को समझा जाए और यहाँ के लिए राइट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज नीड टू बी डेवलप्ड, और काम हो रहा है उस पर, अभी उसमें काम हो रहा है। अभी नीति आयोग ने भी इस विषय को लिया है, नीति आयोग में भी इस विषय पर चर्चा चल रही है, गंभीरता से इस पर चर्चा हो रही है। उम्मीद है कि आने वाले 2-3 वर्षों में एक बहुत ही सक्षम रूप से हम पूरे इंडियन हिमालयन रीजन को की समस्याओं को एड्रेस कर पाएंगे। बहुत सुंदर, और ये भी आशा है कि हम यूसर के साथ में, आपके संस्थान के साथ में, कि हम साइंस एजुकेशन रिसर्च और इस तरह के, बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अकेले कोई भी इंस्टीट्यूट उतना मैंडेट में सफल नहीं हो पाता, और यूसर्क तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आपने जो काम यहाँ पर किया है, हम चाहेंगे कि NIRDPR इससे जुड़े, और स्पेशली उत्तर पूर्व में आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, और हमारे भी किसी तरह का सहयोग, हम लोग साथ मिलकर काम कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग बेहतर तरीके से इन रीजन को हम लोग अपना योगदान दे पाएंगे दोनों संस्थान। आपने यहाँ आके आपने हम सब लोगों को इतनी कुछ जानकारी दी, और आपका यहाँ आना हमको न सिर्फ आगे के लिए बहुत प्रेरणा देगा, बल्कि आगे के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।